एक वक्त था जब गढ़वा में चुनाव कराना पुलिस और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती थी। कारण गढ़वा बेहद नक्सल प्रभावित जिलों में शुमार होता था, लेकिन आज उस चुनौती से जिला पूरी तरह दूर हो चुका है। तभी तो लोकसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा करने पहुंचे पलामू डीआईजी की बैठक से यह मुद्दा भी दूर रहा। जी हां, आज प्रभार लेने के बाद पहली बार डीआईजी वाईएस रमेश गढ़वा पहुंचे और पुलिस केंद्र में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तत्पश्चात सभागार में उनके द्वारा चुनाव को लेकर की गई पुलिसिया तैयारी की समीक्षा की गई और बैठक में एसपी दीपक पांडे और सीआरपीएफ कमांडेंट निपेंद्र कुमार सिंह सहित सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। एसपी द्वारा सभी तैयारियों की बिंदुवार जानकारी ली गई। उधर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डीआईजी ने कहा कि सभी तैयारियों के बाद जानकारी उपलब्ध कराई गई है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव को लेकर समीक्षा की जा रही है, सीमा क्षेत्र पर ज्यादा निगरानी की जाएगी। क्या हम लोगों को जो भी चुनाव आयोग का गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया है कि नहीं किया है, उस सभी बिंदु पर जो है एक विस्तृत रूप से प्रेजेंटेशन एसपी गढ़वा के द्वारा दिया गया है। उस पर हम लोग बहुत ही डिटेली हर एक बिंदु पर जो है जो रिव्यू किए हैं, और अभी हमारे पास समय है। जो भी हम लोगों ने डायरेक्शन दिए हैं उसका अनुपालन करने के लिए भी बताया गया है।